के सामने हुआ है शोर शराबा। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने शोर शराबा करने वालों को बाहर किया, हंगामा करने वालों को अधिवेशन से बाहर किया। अधिवेशन में आए लोगों का आरोप, वीएचपी की धर्म संसद में धोखा दिया गया। धर्म संसद में विवाद देखने को मिला है। धर्म संसद में कोई तारीख नहीं आने से ये विवाद धर्म संसद के मंच के सामने ही शोर शराबा हुआ। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीएचपी कार्यकर्ताओं ने शोर शराबा करने वालों को बाहर जरूर कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ये उम्मीद थी कि मंदिर पर एक नई तारीख मिलेगी। जैसा कि अब से कुछ दिनों पहले जो धर्म संसद हुई उसमें मिली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या जो स्थिति थी उस पर कंट्रोल पा लिया गया है? जो कार्यकर्ता नाराज थे, क्या उन्हें मनाने की कवायद चल रही है? देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पर शोर शराबा किया था और जो मांग कर रहे थे कि इस धर्म संसद में कोई एक तारीख का ऐलान होना चाहिए था, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, फिलहाल उनको इस अधिवेशन से बाहर कर दिया गया है। वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों ने ऐसे लोगों को अधिवेशन से ही बाहर कर दिया है। फिलहाल ये अधिवेशन दोबारा से शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी देर में कॉन्क्लूड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पूरे अधिवेशन का निचोड़ ये रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के लिबरल रही है ये धर्म संसद। एक मौका और देने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है यहाँ पर कि भरोसा जताया है मोदी सरकार पर, लेकिन कोई तारीख नहीं आई, ये कोई ऐसा ठोस, कोई कॉन्क्रीट रिएक्शन सामने नहीं आया। इसकी वजह से कुछ लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। जी बिल्कुल। और अभिषेक, कहीं ना कहीं एक मन में, लेकिन बात यह है कि अब से पहले जो धर्म संसद हुई थी उसमें एक तारीख निकाली गई, इस धर्म संसद में भी कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं, जो इसमें शामिल हुए लोग हैं, उनके मन में ये जरूर रहा होगा कि शायद इस धर्म संसद में भी एक तारीख निकलेगी, जो कि हुआ नहीं। शायद इसलिए ये कार्यकर्ता इतने बौखला गए। देखिए, जो आम लोग हैं वो कानूनी भाषा को या फिर संवैधानिक बाधाओं को उतना नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर कोई एक ठोस निर्णय चाहिए था, एक कोई तारीख चाहिए थी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट चाहिए था जहां पर उनको भरोसा हो सके कि राम मंदिर निर्माण को लेकर के कोई कार्यवाही की जाएगी। लेकिन फिलहाल इस धर्म संसद में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सरकार पर केवल भरोसा जताया गया है। मोहन भागवत ने खुद कहा है कि हमें मंदिर चाहिए, मंदिर बनेगा, सरकार पर भरोसा करना होगा। शायद यही वजह थी कि यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तकरीबन 100 की तादाद में ऐसे लोग थे जिनको जब कोई ऐसा ठोस निर्णय नहीं हो सका, उसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी अपने शोर शराबे के जरिए जाहिर कर दी। जी, और अभिषेक, जिस प्रकार से शोर शराबा हुआ है, तमाम मांगे अपनी जगह है और बौखलाहट भी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक, जब इस तरह के धर्म संसद होते तो एक मैसेज जाना चाहिए। जब हमने इस धर्म संसद के बाद नरेंद्र जो आचार्य हैं और जो वकील हैं उनसे बात की, उनका साफ कहना था कि ये कोई धर्म संसद थी ही नहीं, धर्म संसद वो थी जो अब से कुछ दिन पहले भी और जिसमें एक तारीख तय की गई है। तो के बीच में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद में गए थे, वो लोग यहाँ पर नहीं आए और यहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो उनके मंच पर नहीं गए। तो साधु संतों में और उनके विचारों में भी डिवीजन है। तो ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि ये धर्म संसद नहीं है, जाहिर तौर पर ये अपना इत्तेफाक स्वरूपानंद सरस्वती की धर्म संसद के साथ रखते हैं। तो राम मंदिर को लेकर के दो फाड़ है साधु संत, इसमें कोई ऐसे दो राय नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो धर्म संसद एक होनी चाहिए थी। यहाँ पर फिलहाल कोई तारीख तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये भरोसा जताया गया है केंद्र की मोदी सरकार में कि वही एक सरकार है जो राम मंदिर निर्माण को लेकर के कदम आगे बढ़ा सकती है। देखिए, आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट को सुनिए, उन्होंने कहा है कि 2 से 3 साल में मंदिर बन जाएगा और अगले 4 से 6 महीने बेहद क्रूशल होने वाले हैं। इसको समझाया जा सकता है कि इसका असर क्या होगा, इसका नजरिया क्या है समझने का। लेकिन जहां तक साधु संतों की बात है, उनमें अलग अलग विचार है, क्योंकि 2 धर्म संसद हो चुकी है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वीएचपी की धर्म संसद शोर शराबा, और कहीं ना कहीं ये जो धर्म संसद है और राम मंदिर को भी लेके देखिए तो धर्म संसद जो 2 है उनकी अलग अलग राय है। जो पहली धर्म संसद हुई थी उसमें एक तारीख दी गई थी, कहीं ना कहीं जो सरकार उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं जताया गया, लेकिन ये जो धर्म संसद हुई उसमें कहीं ना कहीं मोहन भागवत
भागवत ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है। एक कार सेवा से ये मंदिर बनने वाला नहीं है, ये लड़ाई दम की लड़ाई है, पूर्ण विजय तक इसको लड़ना ही पड़ेगा। दम है तो कार सेवा करो। एक बार ये कार सेवा आपने कर दी, पीछे जाने का दरवाजा बंद। अगर दम नहीं है तो अभी आप ऑनरेबल रिट्रीट कर सकते हो, सम्मानजनक वापस आ सकते हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि धैर्य से रहो, आगे 5-6 महीना में काम होगा, चुनाव है, 2 महीना डिक्लियर होने वाला। ये कोई स्पष्ट कह सकेगा कि मोदी फिर आवेंगे? हम कहते हैं यह उपयुक्त अवसर है मंदिर बनाने का, अगला में फिर मोदी के आने का कोई भरोसा नहीं। और बिल्कुल कुछ जब चुनाव को बिल्कुल बच जाएगा तब क्या पाए, अभी टाल रहे हैं मामला को, एकदम भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। और अब जनता चाह रही है कि राम मंदिर के लिए जो ठोस उपाय बताएगा, राम जन्मभूमि तक जाएगा, उसी को हम समर्थन, क्योंकि हम तारीख की मांग कर रहे थे, तारीख घोषित की जाए। 1984 से संघर्ष में संघर्षरत हैं, परंतु तारीख की घोषणा नहीं हो रही है, इसलिए हम तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे। बीएचपी पे हमें अब भरोसा नहीं रह गया। हिंदुओं है और हिंदुस्तान में श्री राम मंदिर कपड़े में बैठा है श्री राम जी ने, हम तो बड़े बड़े बिल्डिंग में बैठे हैं, कितने सालों से हमें रास्ता यहाँ पे चले हैं, अभी वही उसके लिए तो हम आए हैं कुंभ मेले में, सभी सांसदों को बताए करते हैं। मोदी सरकार ने साल 2019